नाज़रीन कराम, हमारे आज के एपिसोड का पहला सवाल, कुरान मुकद्दस में एराब यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़्म किसने लगाए? जवाब, अबुल अस्वद दोयली ने लगाए, मगर उस वक्त ज़बर, ज़ेर, पेश वगैरह की शक्लें ये ना थीं जो आज हैं। उन्होंने नुक्तों से ही ज़बर, ज़ेर, पेश का काम किया। फ़र्क ये था कि एराब वाले नुक्तों के लिए उस रंग की रोशनाई ना होती जिस रंग से कुरान लिखा होता, बल्कि उसके लिए अलग रंग की रोशनाई इस्तेमाल करते थे। ज़बर के लिए हर्फ पर एक नुक्ता, ज़ेर के लिए हर्फ के नीचे एक नुक्ता, पेश के लिए हर्फ के अंदर एक नुक्ता और तशदीद के लिए दो नुक्ते मुकर्रर किए। फिर खलील बिन अहमद फराहिदी ने तशदीद, मद, वक्फ, जज़्म, वसल और हरकतों की निशानियां लगाईं और ज़बर, ज़ेर, पेश की सूरतें बनाईं जो आज मौजूद हैं। सवाल, कुरान में नुक्ते किसने लगाए? जवाब, हज्जाज बिन यूसुफ सख्फी के हुक्म से नसर बिन आसिम लेसी और हय्या बिन यमार ने लगाए। सवाल, नुक्ते किस सन में लगाए गए थे? जवाब, नुक्ते 86 हिजरी में लगाए गए थे। सवाल, हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान पाक के कितने नुस्खे तैयार किए? जवाब, मशहूर ये है कि 5 नुस्खे तैयार कराए, लेकिन अबू दाऊद फरमाते हैं कि मैंने अबू हातिम सजस्तानी से सुना कि 7 नुस्खे तैयार कराए गए थे जो अलग अलग इलाकों में भेजे गए। एक नुस्खा मक्का शरीफ मुल्क शाम, एक यमन, एक बहरैन, एक कूफा, एक बसरा और एक नुस्खा मदीना शरीफ ही में महफूज रखा गया। सवाल, कुरान मुकद्दस के कितने नाम हैं? जवाब, कुल नामों की तादाद तो अल्लाह और उसके रसूल जाने, अलबत्ता इमाम फखरुद्दीन राजी ने 32 नाम शुमार किए हैं। सवाल, कुरान पाक का सबसे पहले फारसी ज़ुबान में तर्जुमा किसने किया? जवाब, शेख सादी ने किया। सवाल, कुरान पाक का सबसे पहले उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा किसने किया? जवाब, शाह शफीउद्दीन ने 1774 ईस्वी में किया था। सवाल, कुरान पाक में कितनी आयतें हैं जिनसे मसाइल निकाले गए? जवाब, तमाम आयतों का तो इल्म नहीं, अलबत्ता अल्लामा मुल्ला जीवन ने अपनी किताब तफसीर अहमदी में 500 आयतों को शुमार किया है। सवाल, क्या कुरान पाक की तरह दूसरी आसमानी किताबें भी मुअज्जज़ा यानी खुदाई चमत्कार हैं? जवाब, हाँ, गैर की खबरों पर मुश्तमिल होने की वजह से मुअज्जज़ा हैं, अलबत्ता इन किताबों की नज़्म व तालीफ यानी तरतीब कुरान की तरह मुअज्जज़ा नहीं, बरखिलाफ कुरान के नज़्म व तालीफ के एतबार से भी मुअज्जज़ा हैं। सवाल, क्या फरिश्ते भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं? जवाब, आम फरिश्तों को ये फजीलत नहीं दी गई, अलबत्ता फरिश्तों को कुरान पाक सुनने का बहुत शौक है। जब कोई मुसलमान कुरान शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ते उसके मुंह पर मुंह रखकर कुरान के पढ़ने की लज्जत से फ़ायदा उठाते हैं। सवाल, कुरान ने कितनी चीज़ों को अहसन यानी अच्छा फरमाया? जवाब, 5 चीज़ों को अच्छा फरमाया, अव्वल अपने आप को, दूसरे इंसानी शक्ल व सूरत को, तीसरे आज़ान को, चौथे इस्लाम दीन को और 5वें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़स्से को। नाज़रीन इकराम, ये सवाल हमारे इस एपिसोड का आखिरी सवाल था। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे दिल से लाइक ज़रूर कर देना
और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सदका जारिया समझकर इसे शेयर भी कर देना। अब मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हाफिज़ुन निगहबान।